हमें लड़के भाई कौन है ना ये पता लगा ये रिलैक्स रिलैक्स हो गया रिलैक्स पुलिस के हाथ में लगना है समझ गए ना प्रजा जी भैया ये काम बहुत सोच समझ कर करनी होगी अरे एक बज गए अब तक हमारे लड़का ना आई सब लेके पढ़ के चलिए ना सो सबके घर के रुका प्रिंसिपल साहब को फोन लगाओ हेलो हेलो अरे नमस्कार प्रिंसिपल साहब का कह दनी अरे वो लड़का तो हमारे सुबह ही के पढ़े गए महाराज कौन करो बात कर दानी महाराज हाँ बताए सबके लेके चले इनसे घर है छोटू हमारे सुबह ही गए सब गाड़ी चल गए सर आ हमारे लड़का अब ना कल बताए क्या करी लड़के कहाँ गए कहाँ मिला गए हमारे सभी लड़का चल तानी कहाँ खोजी हमारे सभी लड़का गए लड़के कहाँ गए लड़के देखा हो तुम पुलिस स्टेशन जाए क्या चल ना पुलिस स्टेशन आज अजीत नहीं आया सर उसकी बीवी का तबीयत खराब है आज छुट्टी पे है वो ठीक है काफी छुट्टी कर रहा है सही से दवा करा देना चाहिए उसको अरे दरोगा जी हमारा लड़का मिला गया कैसे क्या हुआ अरे हमारा लड़का मिला गया दरोगा जी भाई बात तो पूरा बताइए क्या कि मैं कैसे भी मिला गया कौन मैं लड़का उसको ले गया ना अच्छा कब तक गया था सुबह गया था 7 बजे से ठीक है पहले भैया आप रिलैक्स होइए और हमको इतना सा प्रॉपर्टी खुवाइए ठीक है अरे साहब हमें लड़के भाई कौन है ना ये पता लगा ये रिलैक्स रिलैक्स होइए आप रिलैक्स होइए अरे रिलैक्स होइए ना पहले नाम बताइए नाम बताइए ऐसा करिए कि आप जाइए अभी मुझे कपड़े सके और मैं जो भी होगा उसका अच्छा किया जाएगा और आपका बच्चा स्वयं शाम तक मिल जाएगा ये बहुत बड़ा कोई जाल है प्रतिदिन बच्चे चोरी हो रहे हैं पता है जी सर पता है लोग किडनी चोर की बात कर रहे थे किडनी चोर नहीं लग रहा है सर ऐसा भी हो सकता है इसके पड़दारी में झगड़ा वड़ा हो शायद सब उठाए होंगे लेकिन मानिए हर एक इंसान हर एक पड़दारी में झगड़ा हो तो हर तरफ से बच्चे ज्यादा गायब हो रहे हैं ना कहीं एक दो जगह का ऐसा असर होना चाहिए लेकिन ये तो बार बार कई जगह का आ रहा है जी सर ऐसा करो कि पहले नाकाबंदी लगाओ जी सर सर भागलपुर और देवरिया चेक पोस्ट लग गया है सलेमपुर बस बाकी है सलेमपुर बाकी है ना जी सर पहला नंबर गाड़ी हमारी निकालो और ले चलो चौक चलते हैं जी सर पहले तो इंक्वायरी किया जाए उनके बच्चों का जी और सलेमपुर भी लगाया जाए जी सर चेक सर 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 भाई नहीं आया देवरिया पड़ता है आपका भाई नहीं आया जी सर कितना छोटा है सर 5 साल का है सुबह स्कूल गया था जी सर और अभी तो आया नहीं नहीं सर आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए 4 बजे है कितने बजे छुट्टी होता है 1 बजे छुट्टी होता होगा जी सर सर हमें इतनी देर से भोजन नहीं मिला तो सर मैं आया हूँ चलिए ठीक है आपका हम केस दर्ज कर लिए हैं और शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अभी हम आते हैं आपके यहाँ ठीक है उसकी इंक्वायरी करेंगे और आपका भाई मिल जाएगा अपने आप को रिलैक्स करिए जाइए ठीक है जाइए जगह जगह बच्चे उठ रहे हैं कुछ तो बात है गाड़ी हमारी निकालो पहले
डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या समाचार है? आजकल सप्लाई उप्लाई नहीं हो रहा है क्या? नांगा को भूल गए क्या? क्या कहा? सिर्फ 50 लड़के? क्या लोटिया से पानी छू रहे हैं? अरे महाराज, बल्टी से पानी छुए, बल्टी से। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने सही कीमत नहीं लगा रहे हैं। एक आंखे का 50,000? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आंखे का कम से कम 1,00,000 और किडनी का 2,00,000 लगाइए। मैं अपना बंडे बेचता हूं, चाहे जितना हो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं फोन को रख रहा हूं। बाय टाटा। ए प्रजा, इस बार माला माल हो जाओगे। 100 बच्चे का डिलीवरी करना है, और एक बात ध्यान रहे, पुलिस के हाथ नहीं लगना है, समझ गए ना प्रजा? जी भैया। ये काम बहुत सोच समझ कर करनी होगी, और अपने आप को बचा कर। ठीक है, ध्यान रहे। चल प्रजा। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और देख रहे हैं हम लोग का ये एक SR फिल्म प्रोडक्शन चैनल है, और इस चैनल से ये हमारा ये क्राइम वीडियो जाएगा, आप सभी को देखने को मिलेगा। ये वीडियो एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है,
और खासतौर से एक उदाहरण है कि आपका बच्चा सुबह पढ़ने जा रहा है या खेलने कूदने जहाँ भी कहीं जा रहा है, तो आप लोग कृपा करके उसे शाम को न ढूंढिए, कम से कम बच्चे का भी ख्याल रखिए। बच्चा पैदा करना तो आसान होता है लेकिन उनका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही हमारा मेन संदेश देने का था, और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मेरे साथ आप सभी को नमस्कार।